थैंक यू सो मच जी। क्या कहते हैं आप? मैं कहती ना आपको शॉपिंग पे जाना है। हाँ। तो मैं है मेरे पास थोड़ा टाइम, मैं आपको यार आपके दोस्त वेट कर रहे हैं, आप जा रहे हो ना? ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, सब देख रहे हो तो? यार बस 30 सेकंड और करने दो। 30 सेकंड में से क्या हो जाएगा यार? वो जो तुमने इयररिंग्स पसंद करे ना अमेज़न की वेबसाइट पे, वो आ जाएंगे। इन दोनों का इससे क्या लेना देना? तुम्हें नहीं पता? नहीं यार मैं बताता हूँ तुम्हें। यार तुम ना समझती नहीं हो, मैं ना प्लैंक्स मार रहा था क्योंकि थंडर पोर्ट पे ना प्लैंक्स चैलेंज चल रहा है कि जो भी इसको जीतेगा उसे मिलेंगे अमेज़न से गिफ्ट वाउचर, वो भी 500 रुपए के। और ये ना मेरे जैसे फिट लड़कों को ही मिल रहा है, और जो भी आखिरी तक टिका रहेगा उसको मिलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा थंडर पोर्ट। नहीं आ रहा? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ थंडर पोर्ट क्या है। तो दोस्तों आप भी सुन लो, थंडर पोर्ट इंडिया की एक बेस्ट फिटनेस एप्लीकेशन है। इसमें एक क्यूट सा कैरेक्टर होता है जिसकी बॉडी शेप आपके टारगेट अचीव करने के ऊपर डिपेंड होती है। ये अपनी बॉडी शेप चेंज करता है और आपको गोल सेट करके देता है। ये गोल्स आपके डेली फिटनेस लेवल के हिसाब से डिपेंड होती है, यानी कि यूजर स्पेसिफिक गोल सेटिंग ऑटोमेटिकली ऐप करके देता है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसमें चैलेंजेस भी चल रहे हैं जिसे कंप्लीट करने पर अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे हैं। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ यार जाकर डाउनलोड करो और तू भी डाउनलोड कर लियो भाई। तो बड़ी कमाल की ऐप है ये एप्लीकेशन, इसको मैं भी डाउनलोड करूंगा और चैलेंज कंप्लीट करके अमेज़न गिफ्ट वाउचर जीतूंगा। तो दोस्तों डाउनलोड करो थंडरपोर्ट एप्लीकेशन को, फिट रहो और हिट रहो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं भी डाउनलोड करूंगी इस ऐप को। अच्छा तो एक काम कर, ये वाला काम ना चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे ये स्कीम, चल अभी बता दे सबको। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर किसी दिन फिर किसी और वीडियो में। कार आ रही है यार, साइड हो जाओ। ये कार आ रही है ना, मैं आपको बचा रहा हूँ। अब आप थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू, बाय। अच्छा सुन तो लो यार, यू आर फ्रॉम हेयर ओनली? यार आई एम नॉट फ्रॉम हेयर, माय नेम इज यश। व्हाट्स योर नेम? चाहत। चाहत, बहुत प्यारा नाम है यार आपका। तो लोग बहुत चाहते भी होंगे आपको, मतलब इतनी प्यारी सी भी लग रही है यार देखने में। बड़ा कुछ गलत बोला मैंने? Did I say something wrong? No, but एकदम से आप तो अच्छी चीज ही तो बताई मैंने, नाम के अकॉर्डिंग ही बोला ना कि लोग आपको चाहते भी काफी होंगे ना। Okay, thank you. Should I leave? Are you getting late? Yeah, मेरे friends actually wait कर रहे हैं मुझे जाने से। जाने वाले हो आप? Yeah. दो मिनट बात कर सकता हूँ यार? एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम हेयर। तो कैन यू जस्ट टेल मी यहाँ से सेंट्रल मार्केट कहाँ पड़ेगी? यहाँ से तो एक्चुअली बहुत दूर है, बट अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से स्ट्रेट जाओ, लेफ्ट जाओगे ना बहुत सारे ऑटो है वहाँ पे, तो वो आपको ले जाएंगे। बट अगर मेरा मन ना हो ऑटो से जाने का और पैदल के लिए सोचो मैं? अब पैदल तो एक्चुअली बहुत दूर है। बट यार कहते हैं ना अगर साथ में कोई अच्छा इंसान चले तो सफर अच्छा हो जाता है ना। तो मैं सोच रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो वैसे? एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी। तो किधर की तरफ जा रहे हो, मार्केट की तरफ जा रहे हो या कहाँ? तुम मेरे साथ चलो, मुझे भी छोड़ देना पैदल। बात करते हुए ऐसे ही कुछ और दिल्ली में जो फेवरेट प्लेसेस हो? बट यहाँ से बहुत दूर है और पैदल ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। एक्चुअली मेरे कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है ना यहाँ पे, आप इधर हो जाओ थोड़े से। बट मैंने आपको रास्ता बताया, आप खुद चले जाओ। बट यार पता नहीं है ना कहीं पे खो गया, तो तुम्हें पता ना वैसे भी आजकल जवान लड़कों को लड़कियाँ उठा रही हैं, किडनैप कर रही है यार, सुना है मैंने ऐसा, दिल्ली में लड़कियाँ किडनैप कर रही हैं लड़कों को। ऐसा कुछ नहीं है। पता है अभी तुम्हारी आंखों में देख के मैं डूब रहा हूँ यार, ये नेचुरल है या फिर लेंसेज हैं? नेचुरल है एक्चुअली। यार ये तो बड़ी नशीली आईज है बट बहुत प्यारी है। आप मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो उसका कुछ? एक्चुअली यार दिल में ना थोड़ी सी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि मैं तुमसे बहुत अच्छी से बहुत ज़्यादा बातें कर सकूँ। ओके, इसीलिए, और अच्छा भी लग रहा है करना। तो ये आपको इसका मतलब आपने मुझे बस ऐसे ही रोका है, आपको कहीं नहीं? देखो कार जा रही थी तो मुझे राइट थोड़ा थोड़ा तो वैसे ही। बट यार सच बताऊँ तो कोई दोस्त नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि इससे बात कर ली जाए यहाँ पे। सुना है ना दिल्ली वाली लड़कियों का दिल काफी बड़ा होता है यार, इसलिए नहीं होता बड़ा दिल बड़ा होता है, बट ऐसे थोड़ी कि किसी नहीं यार। मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ पोस्ट लगाती है बड़े दिल के साथ में, तो बड़ा ही होता है ना, इसलिए। अगर आपका फ्लर्ट कम्प्लीट हो गया हो तो जाऊँ? नहीं अभी थोड़ी दो चार लाइनें और बची हुई। मैं देखो मेरा प्लान है आज का शॉपिंग करने का, और मेरे पास यहाँ पे दिल्ली में कोई दोस्त नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि आप चल सकते हो इफ़ यू डोंट माइंड। दोस्तों का क्या, फिर कभी चला रहे आपको अच्छा लगेगा ना किसी अनजान बंदे की हेल्प कर रहे हो आप शॉपिंग वगैरह में, इसलिए। बट मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट मैंने आपको बता तो दिया, आप बुला लो अपने किसी फ्रेंड को। मतलब आप जाना नहीं चाहोगे? नो। कमाल यार, पता है आपकी वजह से मेरा दिन बहुत खूबसूरत हो सकता था।
नहीं नो दिल तोड़ रहे हो आप मेरा चिटी आई एम गेटिंग लेट मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ सो थैंक यू सो मच आपने मुझे अपना टाइम दिया नाइस टू मीट यू थैंक यू बाय बाय यहाँ से बता रहे थे ना आप लेफ्ट से बट बाय द वे मैं क्या कह रही थी या क्या आप कह रहे थे ना कि आपको शॉपिंग पे जाना है और आपको देखो फिर से ना कोई आपको उड़ा देगा साइड में आ जाओ आप ओके थैंक यू सो मच जी क्या कहते हैं आप मैं कहती ना आपको शॉपिंग पे जाना है हाँ तो मैं है मेरे पास थोड़ा टाइम मैं यार आपके दोस्त वेट कर रहे हैं आप जा रहे हो ना आप या बट अभी मेरी फ्रेंड का टेक्स्ट आया मेरे पास एंड शी सेज कि वो लेट हो जाएगी एक घंटा तो एक घंटा है हमारे पास या पर अगर हमें शॉपिंग में ज़्यादा टाइम लगा देन I'll manage. पक्का? Yeah. देख लो. पक्का. चलो इसका मतलब मेरा सफर बहुत सुहाना होने वाला है. Maybe. Let's see. चलो आओ चलते हैं. तो. कभी कभी जिंदगी में ना कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि सोचा नहीं होता तो होप सो लेट्स सी मेरे नसीब में आज क्या है तो हमने एक कैमरा यहाँ भी लगाया है अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे लड़के को छोड़ते हैं सो आप आ सकते हो मेरे साथ बाहर ओके या सो फाइनली आपके जाने का टाइम हो रहा है बट यार थैंक यू सो मच तुमने एक घंटे के लिए मुझे बोला था काफ़ी टाइम तुमने मुझको दिया आपकी शॉपिंग अच्छे से हाँ यार तुम्हारे साथ था तो इसलिए अच्छे से हो गया दिन भी बहुत खूबसूरत हो गया बट यार एक घंटे के बजाय ये दो तीन घंटे मिले हैं अच्छा लगा मुझको अब यार मैं चाहता हूँ इन तीन घंटों को कभी 30 में बदला जाए फिर मतलब समझ रहे हो ना कि आई लाइक योर कंपनी यार टू बी वेरी फ्रैंक मुझे अच्छा लगा और तुम्हें लगी बाय द वे मी टू नाइस यार अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा तो कैन आई एक्सचेंज आवर नंबर और इंस्टाग्राम डू यू हैव बॉयफ्रेंड नो So I can be a good boyfriend in future. तो उसके लिए हम पहले स्टेप से स्टार्ट कर देते हैं ना अच्छा फ्लर्ट कर लेते वैसे आप फ्लर्ट नहीं है दिल की फीलिंग्स है पता है अभी तुम मेरे साथ में घूम रही थी किसी भी लड़की की कॉल आई मेरे पास नहीं आई ना और ना मेरा सेल फोन भी फ्लाइट मोड पे नहीं था तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ मच आई एम जेन्युइन नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं मैंने बोला भी तो ना कि यार किसी खास के साथ में उन सबसे तो फिर कैसे कह सकते हो कोई ऐसे तो फिर आप किसी से भी बोल देते होगे खास किसी भी लड़की एक बात बोलूं हाँ जो तुम्हारा ट्रस्ट अब से बनेगा ना आगे टूटेगा ना सीधी और साफ बात ये है देख लो सो आई एम 100% जेन्युइन सो कैन आई एक्सचेंज आवर इंस्टाग्राम और नंबर व्हाटएवर यू वांट फोर्स नहीं करूंगा नंबर के लिए भी इंस्टा आईडी ले लो आप चलो नंबर तो मिल ही जाएगा उसे वेट अब टाइप ही कर देना यार ओके So type here. It's Shahat 2369 here. Nice यार. ये but यार DP इतनी खूबसूरत है क्या करते हो आप यार modeling में try क्यों नहीं करती क्या करते हो आप? Actually I'm a web designer. Oh nice. Yeah. So मैं MNC में work करती हूँ. Good यार. तो पता है एक छोटी सी wish और थी मेरी. मैंने सोचा था कि जो मेरी bestie होगी ना जैसे अभी तो तुम हो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है. मैं चाहता था कि एक बार गाड़ी का जो मेरी गाड़ी का सनरूफ होता है ना okay. इससे बाहर निकल के एक बार उसको हक करना चाहता था मैं एक स्पेशल सी फीलिंग होती है ना वाओ वाली अब पूरा दिन तो तुमने मेरा बना दिया तो यार एक ही छोटा सा है इफ यू डोंट माइंड इसके बाद और कोई तो वो नहीं है ना आपकी विश नहीं नहीं वो वाली नहीं है मेरी समोसा खिलाऊंगा फिर किस कर यही वाली विश है बस मेरी मैंने कहा था ना जेन्युइन वो तो फ्यूचर की बात है यार देखा जाएगा बट ये छोटी सी है ना और छोटी छोटी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है चलो इतनी छोटी सी तो है कर सकती हूँ पक्का चलो फिर आ जाओ आराम से आजो पहले तुम देन मी ओके Yeah.
नाइस, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था ये जो तुमने बनाया, तो हम आगे भी ना इसी तरह घूमा फिरा करेंगे। बट यार ड्राइव कौन करेगा अगर हम दोनों बाहर मजे लेंगे सनरूफ खोल के? आती है तुमको? नाइस यार, तो कभी कभी मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। बट थैंक यू सो मच, तुमने मेरा ये दिन अच्छा से बनाया। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुश हुई। आगे भी बनेंगे ऐसे स्ट्रेंजर से मिलके, आप अच्छा फील करते हो। बट मेरा तो दिन कितना बड़ा बना है मैं बता नहीं सकता। ब्लश भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे गाल भी थोड़े बढ़ गए हैं, तो आगे भी हम इसी तरह बातें करते रहेंगे। बिल्कुल पक्का ना? इंस्टा जेन्युइन दिया है ना देखो। कोई नहीं, नथिंग इन फ्रंट, मैसेज करके चेक कर लो। चलो यार फिर तो पक्का यकीन हो गया। चलो यार नाइस टू मीट यू, चलते हैं फिर हम दोनों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया है। मैं मिलता हूँ फिर किसी दिन फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।